ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, द कंपनी दैट प्रोवाइड्स सर्विसेज आर कॉल्ड वेब होस्ट. तो कौन सी वेब सर्विसेज है? वेब होस्टिंग, न्यू होस्टिंग, फ्रेम होस्टिंग, वर्क होस्टिंग. देखो भाई, फ्रेम होस्टिंग, वर्क होस्टिंग तो कुछ पढ़ा नहीं, ये तो ऑप्शन ही अच्छे नहीं है इसमें, तो देख कर ही समझ में आ रहा है. हाँ, ए वेब होस्टिंग. अभी गिव मी द डेफिनेशन ऑफ द वेब होस्टिंग. व्हाट इज द वेब होस्टिंग? What is web hosting? You can chat, you can write the answer also, or you can unmute yourself and you can tell your answer. What is web hosting? क्या होता है web hosting? Very easy, very simple, to publish a website is known as web hosting. ऐसा ही है क्या? कोई और कुछ बताना चाह रहा है? व्हाट इज वेब होस्टिंग? सिर्फ दो लाइन की डेफिनेशन है, नथिंग एल्स. मिस वही होगा जो आपने बोला. वेब होस्टिंग मीन्स इट इज द सर्विस टू प्रोवाइड स्टोरेज स्पेस टू द वेबसाइट. हाँ, दे आर द कंपनीज. ओके, इट प्रमोट आर वेबसाइट रेंटल बेसिस. पर कौन प्रमोट? देखो, मुझे डेफिनेशन दी है वेदांत ने, इट प्रमोट्स आर वेबसाइट फॉर रेंटल बेसिस फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट और द पेड पर्पस. पर हु प्रोवाइडेड? कंपनी प्रोवाइड. तो ये कंपनी जो प्रोवाइड कर रही है, वो हम कंपनी की डेफिनेशन दे रहे हैं या वेब होस्टिंग की डेफिनेशन दे रहे हैं? दे आर द कंपनीज दैट प्रोवाइड द सर्वर एंड द डोमेन टू द वेबसाइट. इसे ये जो नारायण ने मुझे डेफिनेशन दी है, दे आर द कंपनीज विच प्रोवाइड द सर्वर एंड द डोमेन टू द वेबसाइट. तो ये तो वो कंपनी हुई. आई एम आस्किंग अबाउट द वेब होस्टिंग, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द वेब होस्टिंग कंपनीज. जो स्पेस प्रोवाइड करो, हाँ, दैट इज ओनली स्टोरेज स्पेस. हाँ, इट्स प्रोवाइडिंग द स्टोरेज स्पेस टू द वेबसाइट और इट्स गिविंग द सर्वर टू द वेबसाइट और यू कैन से इट प्रोवाइडिंग द स्पेस ऑन देयर सर्विस टू द वेबसाइट. ठीक है, इट इज नॉन एज वेब होस्टिंग. मतलब कि जो स्पेस प्रोवाइड करवा रहे हैं ना, उस प्रोसीजर को वेब होस्टिंग बोल रहे हैं, और जो प्रोवाइड करवाता है उसे वो वेब होस्टिंग कंपनी बोलते हैं. डिफरेंस क्लियर हो गया? ठीक है, तो अब वेब होस्टिंग कंपनीज के एग्जाम्पल जैसे देने होंगे तो ब्लू होस्ट, होस्ट इंजर, ड्रीम होस्ट, ए टू होस्टिंग, और वो एक क्या बताया था जो तुम्हें ध्यान भी रहेगा, गो डेडी, होस्ट गेटर, ये सारी सारी कंपनीज वेब होस्टिंग कंपनीज है. राइट, ठीक है. और फिर उसके बाद में आता है कि फ्री वेब होस्टिंग सर्विसेज है या डेडिकेटेड है या शेयर्ड है. क्लियर? मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर टू, एट्रीब्यूट ऑफ एरिया, एरिया टैग लिखा हुआ है. कैन वैल्यू रेक्ट, सर्कल और पॉली, क्या है ये? मीन्स किस में डालेंगे? रेक्टेंगल, सर्कल और पॉलीगन, एरिया के अंदर किस एट्रीब्यूट में डालोगे? बोलो, कोऑर्डिनेट में डालोगे, शेप में डालोगे, या एचरेफ में डालोगे, या एएलटी में डालोगे? रेक्टेंगल, सर्कल एंड द पॉली, ये क्या है? शेप. यस, शेप. शेप के बाद फिर कोऑर्डिनेट डिफाइन करते हैं. शेप है ये सब. गुड. नाउ द एलिमेंट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द ऑडियो फाइल व्हिच इज द ब्राउजर में यूज. बोलो, कौन से एलिमेंट में? ऑडियो. ओके, फाइन. हाँ, मैं देखती हूँ आज ना ऑडियो वाला ही कुछ क्वेश्चन दूंगी, मतलब वो जो प्रोग्राम भेजूंगी वो उसमें ऑडियो करके जो होगा वो वाला यूज करना चाहेंगे अपन.
ऑडियो वीडियो वाला. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉपर्टी डिफाइन द फ्लो ऑफ कंटेंट. अभी किया, अभी जस्ट किया है. अच्छा मैं तो नीचे पहुंच गई. वेट वेट वेट, नहीं सोर्स नहीं होगा, एलिमेंट पूछा है. सोर्स तो प्रतीक इज सेइंग कि सोर्स होगा. सोर्स तो है ना एट्रीब्यूट है. सोर्स तो एट्रीब्यूट है, एलिमेंट तो ऑडियो है ना प्रतीक. देखो ये ना ध्यान रखना पड़ेगा, एलिमेंट पूछ रहे हैं या एट्रीब्यूट पूछ रहे हैं. और नेक्स्ट वाला, द प्रॉपर्टी डिफाइन द फ्लो ऑफ द कंटेंट. अभी यूज किया है हमने फ्लोट. प्रतीक आई एम नॉट गेटिंग कि तुम कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो. ब्राउजर में यूज मिस, वो थर्ड वाले में देखो ना, वहाँ पे क्या बोला है, ऑडियो फाइल्स विद द ब्राउजर में यूज, तो वो कौन से यूज कर सकते हैं, जो सोर्स में रहेगी वही ना. अरे नहीं नहीं जो सोर्स में रहेगी वो नहीं, उसने पूछा द एलिमेंट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द ऑडियो फाइल. तो एलिमेंट तो ऑडियो एलिमेंट यूज करे बिना तो हम कैसे सोर्स देंगे, समझे. एलिमेंट जब पूछा है तो ऑडियो फाइल ऑडियो एलिमेंट आएगा. अच्छा हाँ समझा, है ना. फिर अगर ऐसे पूछा है कि किस एट्रीब्यूट में, तो फिर सोर्स एट्रीब्यूट में. और ये प्रॉपर्टी डिफाइंस में फ्लोट आएगा. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. द सेलेक्टर द डैश सेलेक्टर सेलेक्ट एचटीएमएल एलिमेंट विद अ स्पेसिफिक क्लास एट्रीब्यूट. बोलो, सेलेक्टर सेलेक्ट द एचटीएमएल स्पेसिफिक क्लास एट्रीब्यूट. काश्मीर सेइंग क्लास, वेदांत सिंह सेइंग आईडी. अच्छा और दो ही हैं इसमें, आईडी और क्लास. फ्लोट और डिस्प्ले तो है नहीं. सुश्रुत ऑल्सो सेइंग क्लास. देखो भाई ध्यान से देखो वेदांत, द सेलेक्टर सेलेक्ट एचटीएमएल एलिमेंट विद अ स्पेसिफिक क्लास एट्रीब्यूट. जब क्लास एट्रीब्यूट तो क्लास सेलेक्टर है ना, है ना, क्लास सेलेक्टर होना चाहिए. ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट पेज पर है मेरे बुक में. 4 एमसीक्यू टू करेक्ट अल्टरनेटिव. हाँ देखो इस तरीके का क्वेश्चन भी आएगा, स्पेसिफिक भी है ना, मतलब यूनिक. नहीं 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 यूनिक अगर लिखा होगा तो वो यूनिक ही लिखेंगे. स्पेसिफिक मतलब कि वो पर्टिकुलर जो क्लास बनाया है ना, क्लास सेलेक्टर बनाया उसके लिए बोला है. ठीक है वेदांत. अब देखो दो तरीके के एमसीक्यूज आएंगे. एक एमसीक्यूज तो ऐसा जिसमें कि एसीसी क्या है, कहाँ पे पड़ा, अरे एसीसी फाइल है ना, फाइल का एक्सटेंशन था ना, MP3 वेब MP4 ऑडियो वीडियो में हमने जो देखा था काश्वी. देखो दो तरीके के एमसीक्यूज आएंगे. एक में तो एक एमसीक्यूज तो ऐसे जिसमें कि एक आंसर करेक्ट होगा. एक एमसीक्यूज ऐसे होंगे जिसमें से कि एक से ज्यादा आंसर्स करेक्ट होंगे. दो आंसर्स तुम्हें को चूज करने पड़ेंगे. ठीक है ऑडियो वीडियो टैग के अंदर हमने पढ़ा था कि ऑडियो टैग ऑडियो एलिमेंट कौन कौन सी फाइल सपोर्ट करता है, वीडियो एलिमेंट कौन कौन सी फाइल सपोर्ट करता है. ठीक है और उनकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए. तो कॉमन ऑडियो फाइल फॉर्मेट आर MP3 ACC और वेब एम MP4 MP6. तो MP3 और ACC. ठीक है और एक और था OGG. OGG ध्यान है क्या, OGG क्या था, फॉर व्हाट पर्पस वी वर यूजिंग OGG. एक मिनट वेदांत सेंड करते. OGG क्या था, OGG इंपॉर्टेंट है, लिख लो OGG को. मैं बता देती हूँ रुको, मैं ग्रुप पे डालती हूँ वेदांत.
अरे ओजीजी का ध्यान रखो और ओजीजी लिखो। ओजीजी इज एन ओपन कंटेनर एंड फ्री ऑडियो फॉर्मेट। फ्री ओपन फॉर्मेट मीन्स कोई से भी एक्सटेंशन की फाइल ऑडियो वाली इसमें चल जाएगी, ठीक है। और आंसर है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4 का, ए और बी, ए इज MP3 और बी इज ACC। तो MP3 का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MP3? MP3 का फुल फॉर्म बताओ। MP3 का भी फुल फॉर्म बताओ और ACC का भी फुल फॉर्म बताओ। मूविंग पिक्चर, बस मूविंग पिक्चर। एक्चुअली MP3 इज MPEG और उसका फुल फॉर्म है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, MPEG मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। और ACC का है एडवांस ऑडियो कोडिंग यही है ना, एडवांस ऑडियो कोडिंग ACC का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइटम इन डेफिनेशन लिस्ट कैन बी क्रिएटेड विद एंड टैग। बताओ कौन से टैग से आइटम बनाएंगे। थर्ड क्वेश्चन का सोर्स ही है, एक मिनट में चेक करती हूँ, रुको भाई। क्वेश्चन 3 एलिमेंट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई। सही है, वेरी गुड प्रतीक। आंसर नंबर 3, द एलिमेंट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई, क्वेश्चन 3 का, क्वेश्चन 3 का आंसर है सी, सोर्स। SRC एट्रीब्यूट है जबकि सोर्स एलिमेंट है, मतलब कि मल्टीपल सोर्स एलिमेंट हम यूज कर करके मल्टीपल फॉर्मेट दे सकते हैं ना एक ही फाइल का, ताकि ब्राउजर को, जो भी ब्राउजर सपोर्ट कर रहा हो जिस फॉर्मेट को, वो फॉर्मेट में हो जाए। ओके, अगेन टू द करंट क्वेश्चन, आइटम इन द डेफिनेशन लिस्ट कैन बी क्रिएटेड विद DL and DT, okay, सही है।
पर डीएल डीएल क्यों होगा? डीएल से तो अपन लिस्ट शुरू करते हैं, डीटी से होना चाहिए ना, डीटी एंड डीडी होना चाहिए। हाँ डीटी एंड डीडी होना चाहिए, राइट। शुरू करेंगे तभी तो क्रिएट करेंगे। हाँ वो ठीक भी, वो भी ठीक है। ठीक है बुक में देखते हैं कि क्या होगा। ये रहा, डीटी एंड डीडी ही है भाई, बुक में भी लिखा हुआ है। करेक्ट आंसर इज डीटी एंड डीडी, डीटी एंड डीडी। ठीक है नाउ द क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री, एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द हाइट एंड विड्थ ऑफ द इमेज। इमेज का हाइट एंड विड्थ, ये तो एकदम इजी है। हाइट एंड विड्थ, डी एंड ई, हाइट एंड विड्थ। डी एंड ई,